कंगना रनौत ने ट्विटर पर एक बार फिर अपने विरोधियों पर साधा निशाना। कंगना ने ट्वीट करते हुए कहा कि उनके विरोधी उन्हें नहीं रोक सकते हैं और वह बागी पैदा हुई थी और बागी ही रहेंगी। डालिए कंगना के उन ट्वीट्स पर एक नजर। पिंक विला के रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में बताया कि किस तरह उन्हें अपने ही कम्युनिटी से नेगेटिविटी मिली थी। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे ब्राउन लोग हॉलीवुड में जाकर बाकियों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे में मेरी ही कम्युनिटी से इतनी नेगेटिविटी क्यों। आमिर खान ने छोड़ा अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत, अब सिर्फ फिल्मों पर करेंगे फोकस। रिपोर्ट्स की माने तो एक सूत्र ने बताया, महाभारत को लेकर कई तरह के विवाद थे, इसलिए आमिर खान को लगता है कि महाभारत बनाने का अभी सही समय नहीं है। कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म धमाका का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में कार्तिक एक पत्रकार की भूमिका में है। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। टीजर रिलीज करते हुए कार्तिक ने लिखा, मैं अर्जुन पाठक, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। परिणीति चोपड़ा जल्द ही साइना नेहवाल की बायोपिक में नजर आने वाली हैं। परिणीति ने फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी है। फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए परिणीति ने लिखा, साइना थिएटर में 26 मार्च को। पोस्टर में एक हाथ नजर आ रहा है और शटलकॉक की शेप में लिखा है साइना। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के फिल्म सोन चिड़िया को 2 साल पूरे हो गए हैं। भूमि पेडनेकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर फिल्म सोन चिड़िया से जुड़ी कुछ यादों को शेयर किया है और सुशांत को याद किया है। डालिए एक नजर। सुनील शेट्टी की बेटी आहान शेट्टी ने बॉलीवुड में धमाकेदार डेब्यू कर लिया है। उनकी आने वाली फिल्म तड़प का पोस्टर अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें आहान और तारा सुतारिया की जोड़ी शानदार लग रही है। लेकिन इसी बात के लिए अक्षय कुमार बने ट्रोलर्स का शिकार। यूजर्स ने फिर नेपोटिज्म के मुद्दे को किया रेज। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक नाबालिग से बुरी हरकत करने के लिए एक आरोपी से पूछा कि क्या वो पीड़ित से शादी करेगा। इस सवाल पर तापसी पन्नू भड़क गई और उन्होंने इसे एकदम घटिया बताया है। डालिए तापसी के इस ट्वीट पर एक नजर। फिल्म दबंग 3 में सलमान खान के साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस सई मांजरेकर ने सलमान खान के तारीफों के पुल बांधे। सई ने बताया कि सलमान मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर एक प्रोजेक्ट मिलने पर उनकी राय लेती हूँ, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। सारा अली खान अपनी मॉम के साथ रिसेंटली राजस्थान गई थी, वहीं से सारा ने खुद का वीडियो शेयर किया। वीडियो में सारा तबला बजाती दिख रही है, जिसमें उनका अंदाज देख लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। डालिए ट्रोल्स पर एक नजर।